हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज एक पर्सल आया है पर्पल से, तो वही पर्सल मैं आपके साथ अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। तो चलिए एक साथ अनबॉक्सिंग करते हैं। और ये देखिए अनबॉक्सिंग हो गया है, और इसमें मुझे 3 प्रोडक्ट रिसीव हुआ है। तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। तो पहला प्रोडक्ट ये है, और ये जो है ये 3 प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है। पहला प्रोडक्ट जो मुझे रिसीव हुआ है वो है ये, और ये है बायोटिक का सीरम, जो विजिबल एजलेस सीरम है बायोटिक का, वो मैंने मंगवाया है और वही सीरम मैं यूज़ करती हूँ। और ये सीरम बहुत अच्छा है और मेरे स्किन को बहुत अच्छे से सूट करता है, तो मैं जो है ये सीरम ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। और सेकेंड मैंने मंगवाया है ये पॉन्स का बॉडी लोशन, और पॉन्स का बॉडी लोशन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो ये बहुत मॉइस्चराइजिंग है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और थर्ड है ये प्लम का बॉडी स्क्रब, जो जेल बॉडी स्क्रब है, और ये बहुत अच्छा बॉडी स्क्रब है। तो ये मैं बहुत दिन से लेने के बारे में सोच रही थी, फाइनली मैंने ले ही लिया, और इसका रिव्यू जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पहले मैं कुछ दिन यूज़ कर लूँ, उसके बाद मैं आपको रिव्यू शेयर करूँगी। और यहाँ पर मेरी मम्मा जो है यहाँ पर मछली फ्राई कर रही हैं, क्योंकि मुझे मछली फ्राई बहुत अच्छे से फ्राई करके खाना ही पसंद है, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसी वजह से मम्मा जो है यहाँ पर मछली फ्राई कर रही हैं, और वो भी सरसों के तेल पे, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। और ये रहा मेरा न्यू चश्मा। अभी जो हो रहा है इवनिंग का टाइम हो रहा है, अभी 5 बज रहा है, तो अभी जल्दी जल्दी जो होता है अंधेरा हो जाता है, क्योंकि अभी तो विंटर आने वाला है, तो इसी वजह से जो है जल्दी जल्दी अंधेरा होने लगा है। तो अभी मैं ऊपर थोड़ा सा आई हूँ ऊपर के घर के जो है लाइट्स ऑन करने, तो यही छोटा सा अभी आपके साथ क्लिप शेयर कर रही हूँ। अंधेरा होने ही वाला है अभी, 5:30 बजे तक तो पूरी तरफ से अंधेरा हो जाता है। और पापा ने यहाँ पर न्यू कुछ जो है प्लांट्स लगाया है, क्योंकि अभी जो है विंटर में बहुत सारे जो है अच्छे अच्छे फ्लावर्स होते हैं, तो इसी वजह से पापा ने सब कुछ लगाया है। और देखिए आज बहुत दिनों बाद कालू को मैं दिखा रही हूँ। वैसे कालू आता है रोज़ ही, लेकिन कभी कभी जो है होता है नहीं दिखा पाती आपको। ये देखिए आया है, अभी रोटी खाने आया है रात की। तो इसी वजह से मैं अभी थोड़ा सा जो है सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूँ। और कालू को बिस्किट तो ज़्यादा पसंद है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा रोटी भी खाने लगा है, क्योंकि सिर्फ बिस्किट से तो पेट नहीं भरता, तो इसी वजह से जो है अभी थोड़ा सा रोटी भी खाने लगा है। और अभी तो रात के टाइम है, अभी ये देखिए रोटी खा रहा है कालू। और उसके साथ एक और भी डॉग था, वो भी हमारे यहाँ का ही है, तो उसने भी रोटी खाया, उसने और कालू ने। और एक और डॉग है तो वो अभी नहीं आया है। ये देखिए कालू का खाना पीना हो गया और वो अभी बैठा हुआ है। और ये रहा मेरा रात का डिनर। तो आज मैंने थोड़ा सा रात में मूसली खाया था, क्योंकि मैं चाह रही थी आज कुछ हल्का सा जो है डिनर करूं, तो हल्का डिनर और मूसली तो अच्छा कॉम्बिनेशन है। मूसली बहुत ही हल्का और लाइट होता है, तो इसी वजह से खाया है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।